नमस्कार, मैं रितिका वर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24x7। लंका दवे व्यवसाय संघ ने प्रशासन द्वारा अनावश्यक तंग करने का आरोप लगा, सौंपा ज्ञापन। वाराणसी लंका स्थित सेंट जीपीएस स्कूल के प्रांगण में लंका दवा व्यवसाय संघ की एक अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें दवा व्यवसाय के उत्पीड़न एवं शोषण तथा अन्य समस्याओं पर विचार किया गया। बैठक में वक्ताओं ने व्यवसायियों को प्रशासन द्वारा अनावश्यक से तंग किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया तथा इसे अविलंब रोकने जाने की मांग की। ऐसा न होने की स्थिति में व्यापारी बाध्य होकर लंबा आंदोलन छेड़ देंगे। बैठक की अध्यक्षता दवा व्यवसाय संघ लंका के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सोनकर ने किया तथा संचालन जनार्दन शांडिल ने किया। इस अवसर पर व्यापारियों ने पर वाराणसी जिला भाजपा के अध्यक्ष सह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री हंस राज विश्वकर्मा को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी दिया। मुकेश पांडे और इंडिया न्यूज 24x7 वाराणसी। तमाम लोग हैं, प्यारे लाल जी हमारे बीच में बैठे, रेखा मेडिकल के भाई राजा जैन जी, बिरजू पाल जी और हमारे प्रेस मीडिया के बंधुगण साथियों। मैं श्री सुभाष चंद्र सोनकर, अध्यक्ष दवा व्यवसाय संघ ड्रग एसोसिएशन लंका वाराणसी। किस तरह का बैठक है, आपको क्या क्या मामला है? बनारस के DI के विरोध में यहाँ पे दवा व्यवसाय संघ दवा की दुकानों पर आना और सबसे पहले फार्मासिस्ट को पूछना, अगर मौके से फार्मासिस्ट नहीं मौजूद है तो तुरंत शटर गिरवा देना, दुकान बंद करवा करके ऑफिस बुलवाना और वहाँ बुलवा करके अलग अलग से उनका शोषण करना। उसी के विरोध में आज की यह बंद हो और जो कमियाँ हो वो हमको बतावें। लोगों का तो कहना है कि फार्मासिस्ट रखना जरूरी है, तो क्या ऐसा बात कुछ क्या हर दुकान पे फार्मासिस्ट है, जब जरूरत पड़ती है वो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फार्मासिस्ट ऑनलाइन हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं। नेताजी क्या कारण है आखिर, आपके साथ में सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं और आप खुद पुराने बड़े ना नेता हैं, क्या कारण है कि ऐसे आप लोग के ऊपर दबाव डालते हैं? अब क्या कारण है यह तो मानसिकता जो है तो DI साहब बताएंगे, बस इतना जानता हूँ कि सौदेबाजी करते हैं। 20 साल से ये घटना चली आ रही, सब सागर मंडी में भी आए दिन ऐसी जो है सूचनाएं मिलती है। अब वहाँ का तो न्यूज हमको नहीं मालूम है, लेकिन कुछ अगले वाल बंसल जी थे, थोड़ा उन्होंने इस तरीके से रवैया अपनाया, उनका भी विरोध हुआ। अब ये आए हैं तो माननीय हम अध्यक्ष महोदय जी से बहुत गंभीर बात बता देना चाहता हूँ कि DI ऑफिस में बड़े पुराने दो लोग, एक मनीष है एक कमलेश है, वहाँ के काम करने वाले हैं विभाग के ऑफिस के, वही पूरी रवैया जानते हैं। जो गलत है उसके यहाँ छापा नहीं मरवाएंगे, जिनका लाइसेंस नहीं है वहाँ छापा नहीं मरवाएंगे, जो मोनोपोली बेचता है वहाँ छापा नहीं मरवाएंगे, लेकिन जो दुकानदार सही है, सही ऑनलाइन अपनी बिक्री करता है, कागज पत्र रखता है, एकाध ठो कहीं मिस्टेक हो जाए हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाएगा लेकर के DI को, और जिनका सही है वहाँ चला जाएगा और एकाध कमी कोई न कोई निकाल करके, पहला कमी तो निकालेंगे फार्मासिस्ट का, उसके बाद अगर कोई दवा रखा है उठा करके कहेंगे कि ये नकली है, जांच में जाएगा, शटर बंद करो। अगर एक दिक्कत और होती है, यहाँ पे मरीज आते हैं धैर्य दवा लेने, दवा लेकर के 8-10 किस्म 15 किस्म का जाते हैं, उसमें से बिल बनता है लेकिन डेट कभी कभी नहीं दिलाता है उन लोगों को, बाकी लोगों को दिला जाता है, ताकि 2-4 दवा बच जाता है तो हम लोग वापस करके फिर डेट चढ़ा के उनको बिल दे देते हैं। यही एक थोड़ी सी है और ये DI साहब थोड़ा ये कर लिए हैं, बाकी कोई दुकान में कोई कमी नहीं, कोई नहीं, उसके बावजूद में भी शटर गिरा करके बुलाना और सौदेबाजी करके शोषण करना, इस पे अमनुआ अगर नहीं ये माने तो लंका व्यवसाय संघ की पूरी दवा की दुकान एक बार 16 दिन तक बंद थी पूरा शटर, जरूरत पड़ी तो उसी तरीके का आंदोलन हम
हम करने को बाध्य होंगे। मोदी जी अपना परिचय बताएं। मैं संदीप चतुर्वेदी, अध्यक्ष केमिस्ट एंड डायबिटीज फेडरेशन उत्तर प्रदेश। सर क्या कहेंगे, परेशानी समझ में आ रही है, प्रतिनिधि बैठे हैं। FDA विभाग पोतिया ने रंग को सो चुका है। प्रत्येक दवा की दुकानों पे फार्मासिस्ट रहते हैं। दोपहर में लंच टाइम में यदि वो खाना खाने चला गया 10-15 मिनट के लिए, उस टाइम दवा की दुकान की सेल क्लोज रहती है, क्रय विक्रय नहीं होता है। उसी टाइम ये लोग सर्वे करने आ रहे हैं। उसके बाद जो है पहला क्वेश्चन था फार्मासिस्ट कहाँ है, ये कहा जाता है कि साहब वो आ रहा है खाना खाने गया, सेल बंद है। उसके बावजूद निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करते हैं और दुकानदार से सिग्नेचर करा लेते हैं कि मुझे प्राप्त किया, उसको कापी नहीं देते हैं। कई बार FDA के वरिष्ठ अधिकारियों को ये शिकायत की गई कि आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स दवा की दुकानों की चेकिंग करते हैं लेकिन मौके पर उनको निरीक्षण प्रपत्र की कॉपी नहीं देते हैं, जो कि उसको देनी चाहिए, क्योंकि आपने जितनी अनियमितता लिखी है सबका उसको उत्तर देना होता है। तो आपने उसको बताया नहीं कि आपका जुर्म क्या है, तो उसका वकील या वो खुद क्या बदतर भी करेगा। ये पूरी तरीके से निरंकुश हो चुके हैं। हमें बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, MLC हैं, और हमेशा हम लोग एक संग रहे हैं। हम चाहेंगे कि सुरेश खन्ना जी आए हैं। ये बड़ा गंभीर मैटर है क्योंकि वो जांच तो कर रहे हैं और जांच रिपोर्ट उसको नहीं दे रहे हैं और उसके बाद उसका लाइसेंस निलंबित हो जा रहा है, निरस्त हो जा रहा है। और इसके पीछे क्या खेल हो रहा है आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। कोई आदमी परेशानी में होता है तो ये स्थिति है। अध्यक्ष जी, जब लोगों से, अधिकारियों से इस संदर्भ में बात किया जाता है तो उनका कहना यह है कि अब तक ये लोग ढूलमूल तरीके से कार्य कर रहे थे, जब हम लोग टाइट कर रहे हैं तब इनको दिक्कत हो। एकदम गलत बात कर रहे हैं वो, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 2018 से भाजपा सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया। 5 साल का उसका रिन्यूअल का टाइम होता है, इसको 6.5 साल होने को आ रहा है। एक एक लाइसेंस उनके पोर्टल पे है और जो नहीं है वो दवा कारोबारी नहीं है। उसके बावजूद अब ढुलमुल क्या रहा है इसमें, इतनी एक लाइसेंस बनने में इतनी पेपर दिए जा रहे हैं, इतनी जांच होती है, मौके पर जाके आजकल DI जांच कर रहा है, फीता लेके जांच कर रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, उसके बावजूद अनियमितता की बात करते हैं। इसको दवा कारोबारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी सामने आज बात रख दी गई है, नहीं मानेंगे तो जो रास्ता होता है लोकतांत्रिक तरीके, हम उन्होंने पहले भी किया है, फिर करेंगे। जी, दवा व्यापार से लोग परेशान हैं, क्या लगता है आपको इस चीज का निवारण होना चाहिए? सबसे पहले हंसराज विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष वाराणसी, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और निश्चित तौर पर अभी जो यहाँ के दवा व्यवसायी डक्स के अध्यक्ष हम लोगों के बड़े भाई और राजनीति के 3 बार के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं BSP के, ये यहाँ व्यवसाय के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में हमारे युवा मोर्चा के वाराणसी जिले के जिलाध्यक्ष अमर शंकर जी, हमारे प्रदेश व्यवसायिक संघ के दवा के तिवारी जी और तमाम यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे मंच पर उपस्थित थे। सामने भी बैठे हुए हमारे सभी व्यवसायी, उनका जो अभी सुभाष जी ने बताया है उस चीज़ का मैं भी संज्ञान में लूँगा, इसीलिए मैं आया हूँ। चल कर इस पर बात करके जो भी होगा उसकी समस्या का समाधान कराएंगे। नेताजी, विगत कुछ दिनों से लगातार अधिकारियों द्वारा विशेष दबाव डालने की सूचना आ रही है कि व्यापारियों पे अधिकारी लोग ही ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, न ही बात सरकार का प्रतिनिधि जान रहा है, न ऊपर कोई जान रहा है, तो क्या तो अभी ये बुलाया गया, अभी मुझे जानकारी हुई है, तो मैं इससे आगे उच्च अधिकारियों से भी बात करूंगा। अभी मैं प्रभारी मंत्री हमारे आदरणीय सुरेश खन्ना जी आए हैं, उनसे भी मैं इस विषय में बात करूंगा, समस्या का समाधान कराया जाएगा।